मेष राशि, आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। जम के मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। धन लाभ हो सकता है, रिश्तों से संबंधित कोई अच्छा कार्य हो सकता है, किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी मिल सकता है। परंतु एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सर्दी, नजला, खांसी, जुकाम, बुखार या अन्य कोई ऐसी परेशानी वो आपको परेशान कर सकती है। उपाय क्या करेंगे? ओम हनुमते नमः का जप करें और अपने काम पर जुटे। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन कुल मिलाकर वक्त अच्छा है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत व्यस्तता रहेगी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के अच्छे चांसेस आपको मिल रहे हैं। एक सावधानी, इस दिन अपने राज किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा और हल्की बात तो बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके अपने काम पर जुट जाइए। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता, लेकिन रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, बढ़ेंगे। फाइनेंस से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। जो लोग फाइनेंस के काम में हैं, उन लोगों को भी इस दिन लाभ हो सकता है। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा, यदि आप वाहन चला रहे हैं या बिजली आग पर काम कर रहे हैं तो जरा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, भाग्य पक्ष आपका अच्छा है, यद्यपि कुछ बाधाएं जरूर होंगी, लेकिन आपका कार्य बन जाएगा, इसलिए चिंता ना करें, लगातार काम पे लगे रहें। सावधानी, इस दिन कई सारे विचार या कई सारी छोटी छोटी परेशानियां आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन आप तनाव ज्यादा मत लीजिएगा, एक एक करके सबको निपटाइएगा। उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय का जप करें, अपने इष्ट को लाल पुष्प भेंट करें, फिर काम पर जुट जाएं। सिंह राशि, भाग्य पक्ष तो आपका ठीक है, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से आप अपना दिन खराब कर सकते हैं। किसी की निंदा मत कीजिएगा, नुकसान होगा। सावधानी, इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, अपने पेट का ख्याल रखिएगा और अपने रिश्तों का भी बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? उड़द की दाल का दान कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, अनुकूल समय है, इसलिए मेहनत करिए, काम बनेंगे। लेकिन मैंने यहाँ कहा मेहनत करिए, क्योंकि भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए आज आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, धैर्य भी रखना पड़ेगा। एक सावधानी, वाहन चलाते वक्त रखिएगा और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब ना हो उस मामले में भी रखिएगा। उपाय क्या करना है? ओम गणपताय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, गणपति जी आपका कार्य बनाएंगे। तुला राशि, दिन अच्छा है, अच्छे निर्णय आप ले सकते हैं, कुल मिला के आगे बढ़ने के लिए अच्छा अवसर भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, अपने पैसों का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए घर की स्त्रियों को अपने हाथ से कुछ दूध या दूध से बनी हुई चीजें दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, सोच समझ कर बोलिएगा, अगर ऐसा आपने आज किया तो यकीन जानिए समय आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम देने वाला है। एक सावधानी दिन जरूर बरतें, जिन लोगों को दांत, गले की या सांस की दिक्कत रहती है वो अपने परहेज अच्छे से करें। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य को जल दीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, सोच समझकर बातचीत कीजिएगा या सोच समझकर धन खर्च कीजिएगा, किसी से धन उधार ना लें। सावधानी, यदि आपके सिर या आंख में कोई दिक्कत रहती है तो इस दिन अपना ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? इस दिन बहुत प्यार से बोलिएगा और थोड़े से गुड़ का सेवन जरूर कर लीजिएगा। मकर राशि, यह समय स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है, पिता की दृष्टि से भी बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है, लेकिन घूमने फिरने को आपको मिल सकता है, अचानक की गई यात्राओं से लाभ भी हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतने, इस दिन जो आप काम कर नहीं सकते उसका वायदा मत कीजिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि हो जाएगी। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने उड़द की दाल का दान जरूर कर देना है, ताकि प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, ये दिन आपको लाभ देने वाला है, बस एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन अपने आलस्य की वजह से काम मत छोड़ दीजिएगा या किसी व्यक्ति से मिलना मत भूल जाइएगा या अवॉइड मत करिएगा चीजों को। मेहनत करेंगे, लाभ अवश्य मिलने वाला है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए मजदूरों को बड़ी सेवा भाव से भोजन कराइए, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, बिखरना नहीं है, संभल के चलना है, एक एक चीज को अच्छे से सोचना है, समझना है, फिर
उस पर कार्य करना है। ये दिन आपको थकाने की कोशिश करेगा, बहुत सारे विचारों में उलझाने की कोशिश करेगा, आलस से देकर आपको परेशान करेगा। इनसे बचना है, काम पर जुटना है, एक छोटी सी सावधानी रखनी है। जिन लोगों को इन्फेक्शन रहता है वो ध्यान रखें, और जिन ठंडी चीज़ों का सेवन जैसे ठंडा पानी, दही आदि, इसका सेवन नहीं करना है। उपाय क्या करना है, जिनको बेहतर बनाने के लिए सूर्य को जल दीजिए और अपने काम पर जुटिए, अपने इष्ट का नाम लेते हुए प्रभु जी सब ठीक करेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।